Assalamu alaikum students, welcome to Funs Academy with lecture number 20, pre test topic sonometer. Okay, baba ikudu device hai sonometer. Sonometer is a device. Sonometer is a device which is used for to verify the laws of transverse vibrations. Laws of transverse vibrations in a string. Laws of transverse vibrations in a string. तो इकडे string में इधे के basically transverse waves ही आयन पंजे nature में तो इनन learn सां related कुछ laws हैं. मिसाल string जो tension सां लहर की स्पीड लहर की फ्रीक्वेंसी जो कड़ो तल्क जैसा स्ट्रिंग की लीनियर डेनेस्टी यानी थिक स्ट्रिंग इस्तेमाल क्यों तो फ्रीक्वेंसी ते स्पीड ते कड़ो असर पवो जर स्ट्रिंग की लेंथ डबल क्यों या हाफ क्यों तो वेव की स्पीड फ्रीक्वेंसी ते कड़ो असर पवो तो अड़े कुछ कुछ किस्म जॉज हैं तो ये जी ट्रांसवर्स वेव पैदा थियन थियं इन ट्रांसवर्स वेव जो तल्क स्ट्रिंग की छिक से कड़ो आ स्ट्रिंग की थिन या थिकनेस से कड़ो आ स्ट्रिंग की लंबाई से कड़ो आ तो उन उदाहरण उनके नालो दिनो सोनोमीटर. ओके, एक्चुअली सोनोमीटर थोड़ो जर अस इन जायजो वो तो वन मीटर लॉन्ग हीड़ो बाबा बॉक्स आ रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जैसी लेंथ यानी वन मीटर जैसी हाइट तकरीबन छह सेंटीमीटर थी. ओके, हाँ इन बॉक्स ये हालो बॉक्स है. एक्चुअली हालो बॉक्स है इनके थोड़ो जो रेफर्स के वाइब्रेट कराबो तो ये वाइब्रेट थी. हाँ इन हालो बॉक्स के टॉप से बाबा एकड़ो ही हुक लगल इन हुक से बिल्कुल एकड़ो स्ट्रिंग छिकल स्ट्रिंग जो यो स्ट्रिंग ये अस छिके बो स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग की एक एंड इतने रिजिड सपोर्ट में आ बी एंड याद रखे जो इतने बाबा हिड़ी पुली आने पुली का स्ट्रिंग ये बी एंड हेठ थी अचे पी पर बी एंड में भुक बदल हों. ठीक हाँ अस स्ट्रिंग जो केतरो हिस्सो माना अस स्ट्रिंग जो केतरो हिस्सो वाइब्रेट था कराई उन लाए एकड़ा ब्रिजिस सर्पियन ये ब्रिजिस जिके इन बॉक्स जे टॉप ते असा उनन के अक्ते पोते करे समुदा पया फर्स के एकड़ी ब्रिज इते तो रखूं पया आई एकड़ी ब्रिज फर्स के इते पर ये ब्रिज आने सो असा ही सो स्ट्रिंग जो था वाइब्रेट कराई. ओके, इन हिस्से में था असा लहरूं पैदा कयूं फर्स के पर जर एक ब्रिज के परते खी वा तो इन मतलब है तो लेंथ वाया तो स्ट्रिंग की तो ये ब्रिजिस के स्लाइड करे अगते पोते करे असा लेंथ घटाए वधाए जो रुकायड लेंथ केतरी था इस्तेमाल क्यों. अच्छा, उन तकरीबन एक मीटर लॉन्ग यानी ये ऐसा ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होंगे इन मथा टॉप ते मीटर स्केल रखल हों वो मीटर स्केल जाहिर यो मीटर स्केल रखल आफर स्केल यो मीटर स्केल इन ला यूज थी तो जी असा
कुछ मेयरमेंट कर सकूं वा मेयरमेंट के जी जो स्ट्रिंग केतरी लेंथ मिसाल हाँ ही जो ब्रिज है इतने अंगु लिखल हों कड़ी ब्रिज इतने हाँ ही केतरो लेंथ आ या मीटर स्केल में खबर पवी तो एक ब्रिज बी ब्रिज के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस केतरो माना यो डिस्टेंस हों स्ट्रिंग या स्ट्रिंग की लेंथ के जाहिर कर ओके हाँ स्ट्रिंग केतरे में एक लूप में था वाइब्रेट करायो तो माना एन इज इक्वल टू वन जेकर स्ट्रिंग बिन लूपन में था या टिन लूपन में था वाइब्रेट करायो तो एन इज इक्वल टू थ्री टे लूपन या स्ट्रिंग पंजन लूपन में या एक लूप में मतलब तो यो माना हार्मोनिक्स जो तादाद केतरो या जो है सो ये नंबर ऑफ हार्मोनिक्स या नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ एंटी नोड्स जो पोते डिस्कस करायासी तो यो एन जो मतलब आए तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स या नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ एंटी नोड्स ओके अच्छा ये स्ट्रिंग असं तब्दील कर सकूं था ये थिन स्ट्रिंग आने जगह पे असं थिक स्ट्रिंग में इस्तेमाल कर सकूं था रिप्लेस कर सकूं था असं स्ट्रिंग की लेंथ भी अल्टर कर सकूं था चेंज कर सकूं था स्ट्रिंग में टेंशन ही एंड जगह सा याद रखे जो एकड़ी एंड तो फिक्स आ पर स्ट्रिंग की बी एंड पुलिये के मत ही फ्री आई आई पुलिय का एंड में हुक लगल है हुक में अस डिफरेंट किस्म जो वेट्स वेट आ वेट असर वाइंदी माना अस चाहता क्यों टेंशन वाइंदा पे असो यानी वेट वाइण से माना अस इनकी वेट वाइंदा माना अस टेंशन वाइंदा पे रस्से में छिक वाइंदा तो अस टेंशन डबल कर सकूं था टेंशन ट्रिपल कर सकूं था बाय हैंगिंग डिफरेंट वेट्स ओके हाँ याद रखे छो अस फॉर्मूलो पढ़ी आयासी स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू एन वी अपॉन ट्वाइस एल तो अस पढ़ी आयासी फ्रीक्वेंसी ऑफ एन हार्मोनिक इज इक्वल टू हार्मोनिक जो तादाद है या सेगमेंट जो तादाद है फर्ज कर फॉर एग्जाम्पल इतने अस स्ट्रिंग वाइब्रेट था कर स्ट्रिंग के अस वाइब्रेट करा बिन सेगमेंट्स में इन स्ट्रिंग की लेंथ केतरी है इतना का वी हेस ती या स्ट्रिंग की लेंथ आ ओके अस इनके फर्ज कर बिन सेगमेंट में स्ट्रिंग के वाइब्रेट कर एन इज इक्वल छा लिखी टू हाँ ही तो स्पीड है वेव की स्पीड केतरी हाँ इन स्पीड जो तल्क याद रखे छो बाबा कुछ अड़े किस्म जो हों अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू तो स्पीड जी स्ट्रिंग में वेव पैदा थी उन स्पीड जो तल्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाबा टेंशन के टेंशन चार दफा वधाई स्पीड डबल थी वी टेंशन नाइन टाइम्स वधाई स्पीड ट्रिपल थी वी तो जो स्ट्रिंग के घड़ो छिकबो ओतरो टड़ वेव की स्पीड या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टाइम्स माना जहाँ टेंशन चार दफा वधाई तो स्पीड डबल थी वी ओके उन स्पीड जो तल्क लीनियर डेनेस्टी सा इनवर्सली अंडर रूट टाइम्स तर्क स्पीड ऑफ वेव स्ट्रिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ लीनियर डेनेस्टी मतलब है स्ट्रिंग सुनो सागे मटीरियल जो स्ट्रिंग यानी डबल थिक डेनेस्टी डबल थी वी माना जो थिक स्ट्रिंग इस्तेमाल कौ मोटो स्ट्रिंग हों जर स्ट्रिंग चार दफा मोटो आ स्पीड हाफ नव दफा मोटो आ स्पीड अटी हाँ याद रखे छो जर चार दफा सनो स्ट्रिंग इस्तेमाल कौ तो स्पीड डबल माना जो तंद जी सनी होंगी ओतरो उन में स्पीड वी ओके तो ये स्पीड वगैरह यो तल्क यो सोनोमीटर जरिए वेरीफाई कबन का फॉर्मूलो खड़ो ऐसो इन फॉर्मूला मुताबिक फ्रीक्वेंसी लहर की जी होंगी इज इक्वल टू एन
आणि वी बराबर आहे, ये वी बराबर आहे छाजे, अंडर रूट टेंशन अपॉन लीनियर डेंसिटी अपॉन ट्वाइस एल। ओके आणि सो द फ्रीक्वेंसी जो तालुक वरी मुख्तलिफ फैक्टरन सा केड़ो आ, द फ्रीक्वेंसी जो तालुक बाबा जेको आ नंबर ऑफ लूप्स आ, जितरा सेगमेंट घना हुंदा फ्रीक्वेंसी सेगमेंट माना लूप्स जो तादाद डबल हो तो फ्रीक्वेंसी डबल, जो पोते कर ओके। आई फ्रीक्वेंसी जो तालुक टेंशन सा, माना जितरो स्ट्रिंग वधिक टाइट कबो ओतरो वधिक वाइब्रेशंस पैदा थींदा, आई जेकर टेंशन तां चार दफ़ा वधाईंदो तो फ्रीक्वेंसी डबल। फ्रीक्वेंसी जो तालुक बाबा स्ट्रिंग जी लीनियर डेंसिटी सा, एक मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग में मास केतिरो आहे, लीनियर डेंसिटी माना मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। ओके हाणे जेतिरो स्ट्रिंग एक मीटर लेंथ में जेतिरो मास घणो हूंदो फ्रीक्वेंसी ओतिरी घटि हूंदी, माना थिक स्ट्रिंग हूंदो त फ्रीक्वेंसी घटि, थिन स्ट्रिंग हूंदो त फ्रीक्वेंसी वधीक हूंदी। ओके इन खां अलावा फ्रीक्वेंसी जो तालुक बाबा स्ट्रिंग जी लेंथ सां ॾिसो त इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में, माना स्ट्रिंग जी लेंथ तव्हां जेकर जेतिरी लेंथ स्ट्रिंग जी वधंदी ओतिरो फ्रीक्वेंसी वरी हाफ थींदी, त नंढे स्ट्रिंग में वाइब्रेशन वधीक पैदा थींदो ऐं वॾे स्ट्रिंग में वरी वाइब्रेशन घटि भाव वेंदा, यादि रखी छॾियो। त हाणे हीअ जेके लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन्स आहिनि त हिननि जी तस्दीक हिन जी वेरीफिकेशन लाइ इहो सोनोमीटर इस्तेमालु थींदो आहे, जेको असांजे लेबॉरेटरीज में रखियल आहे। ठीकु आहे, त इहो नटशेल में इहे ॻाल्हियूं तव्हांजी बुक जे पेजिस में लिखी पियूं आहिनि वधीक, त इहो हेसि ताईं तव्हांजो इहो सोनोमीटर जो तारफ़ो ऐं जंहिंजे ज़रिए असां इहे स्ट्रिंग में जेके वाइब्रेशन्स पैदा थियनि था हुननि जी स्पीड, त ओवरऑल इहे हिननि फ्रीक्वेंसी जो तालुक वेव जी फ्रीक्वेंसी जो तालुक, वेव जी स्पीड जो तालुक टेंशन सां, लेंथ सां ऐं स्ट्रिंग जी लेनियर डिनेस सां कहिड़ो आहे, इन्हनि सभिनी जी तस्दीक लाइ जेको हीउ डिवाइस इस्तेमालु कबो आहे, हिनखे छा सरबो आहे, हिनखे सरबो आहे सोनोमीटर। अॼोको लेक्चर बाबा इनखे वरी तव्हां पंहिंजे पेजिस में ॾिसंदो, तेसि ताईं पंहिंजो ख़्यालु कजो, अलाफ़िज़ ॿिए लेक्चर ताईं। ओके okay?